मैं राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गया जी। और 79 में मैं सिटी कांग्रेस का प्रधान बन गया जी। 80 में मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान बन गया जी। 95 में एक रेजोल्यूशन आया था कांग्रेस पार्टी में, वन मैन वन पोस्ट जी, उसके आधार पर मुझे जिला कांग्रेस कमेटी से इस्तीफा देना पड़ गया। तब की बात है सर ये 95 आ गया। उस समय आप एमएलए थे, उस वक्त मैं मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था मैं जी, होम मिनिस्टर था। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया, मुझे हटाया नहीं गया जी। मैं 17 साल यंगेस्ट जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान, अगर रिकॉर्ड निकाल के देखो तो उसका नाम सुभाष बत्रा है जी। मैं बड़ा, जिसके लिए आज हाय तोबा मची हुई है, बोले जी लिस्ट रोक दी, फलाना कर दिया। अभी तो संगठन पूरा बना, बनेगा भी नहीं, तो ये कोई संगठन भी नहीं है। अच्छा, आपको लगता नहीं बनेगा? ना ना, है भी नहीं, क्या संगठन है, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कुछ नहीं है। सच्ची बात बताऊं मैं आपको जी, कांग्रेस तो पुराना, एक भी लीडर ओरिजिनली जो कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखता हो जी, ना कांग्रेस पार्टी में है ना बीजेपी में है। आप दोनों पार्टियों को देख लो, इससे बड़ा सत्यानाश इस देश का जा ही नहीं सकता। विचार बगैर विचारधारा के दोनों नेशनल पार्टी जी, एक तो देश पर राज कर रही है, प्रदेश पर कर रही है, और दूसरी कांग्रेस, दोनों की विचारधारा के आदमी 5% भी नहीं 100 में से। आपने जब कांग्रेस ज्वाइन की जी, या कांग्रेस का हाथ थामा, तो उस समय आपके पिताजी के प्रभाव में थामा था, या किसी चीज से, कोई विचारधारा से प्रभावित होके, किसी घटना से प्रभावित होके? नहीं, उस वक्त कांग्रेस का बोलबाला था, बोलबाला। हाँ, मेरे पिताजी पहले शुरू में तो कांग्रेस में ही थे, लेकिन जब सेठ श्री कृष्ण दास और मेरे पिताजी का आपस में क्लैश हो गया जी, तो उनको मजबूरन अंडर हालात ऐसे पैदा हो गए जैसे आज मेरे सामने पैदा हो रहे हैं जी, तो उनको पार्टी छोड़नी पड़ी, और तब उन्होंने बीकेडी भारतीय क्रांति दल चोई चरण सिंह की पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा जी। तो आपकी फिर वापसी होती कांग्रेस में? मेरी वापसी मैंने छोड़ी नहीं। अच्छा, आपके पिताजी ने छोड़ी? बस मेरे पिताजी ने छोड़ी, मैं तो कांग्रेस में ही रहा। आप कांग्रेस में रहे? कांग्रेस में। कभी परिवार में इस चीज पे ना? कोई नहीं, बिल्कुल आप भी साथ ना ना, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा गया कि आपके पिता? नहीं, मेरे पिताजी इमरजेंसी में अंदर चले गए, जब वो इमरजेंसी के बाद जब छूट के आए जी, तो देवीलाल और मेरे इसी मकान पे जहाँ बैठे हो यहीं ठहरे, एक हफ्ता हमारे घर पे रहे। मेरा उनके साथ बहुत लाड़ था, प्यार था। मुझे फतेहाबाद रैली दिखाने के लिए ले गए थे, मुझे वो सरसा की रैली दिखाने के लिए ले गए थे। तो कभी वो चाहते थे जी, वो चाहते थे कि तू छोड़ कांग्रेस को, देवीलाल जी। हाँ जी, चोई देवीलाल जी, कांग्रेस छोड़, तू कहीं से चुनाव लड़, तेरे को टिकट देता हूँ। क्योंकि मंगल सैन और चोई देवीलाल का समझौता था जी, रोहतक की उनको मजबूरी थी, वो कहते थे हांसी से लड़ ले, फतेहाबाद से लड़ ले, तू चुनाव लड़। लेकिन वो कहते हैं ना, भाग्य का खेल है। ये आपकी जिद थी कि मेरे को रोहतक से ही चुनाव लड़ना? बस वो जिद थी, आपकी जिद थी, वो जिद थी। मुझे उन्होंने यहाँ डीएसपी सीआईडी मल्होत्रा होता था, उसको कह के मोर नहीं बुलवाया जी, मुझे गाड़ी में बिठा के ले गए। वहां चोई देवीलाल जी हो सामने, यूं दीवान ऐसे लेटे हुए हैं, और मुझे कह रहे हैं अरे अब भी मान जा। उस वक्त चोई देवीलाल का संघर्ष पीक पे था, 90 में से 85 सीटें ली उन्होंने। बहुत सारे लोग कहते वो कहीं चाहते मुझे, मैं एमएलए बन जाता, मुझे मंत्री बना देते, पता नहीं क्या क्या कर सकते थे, लेकिन भाग्य नहीं था। आप पूरा गठबंधन था, सबके मिल के 85 सीट आई थी, लोकदल की 60 थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 87 की बात, 86 लास्ट जी जी। खैर, बहुत सारे लोग बताते हैं ये चीज, तो कि मोरनी तो उनकी फेवरेट जगह थी। मोरनी मैं उनको मिला एक बार नहीं, 3 बार, मेरा कई बार मन भी किया, लेकिन यूं ही। तो कभी पछतावा होता है इस चीज पे? बड़ा भारी, मैं तो नेशनल लेवल का लीडर होता, ये तो मेरे मेरे कद को, मेरी लीडरशिप को, एक तो वो कहते हैं ना, दोस्ती में तो हर चीज माफ है। कांग्रेस ने खा लिया? इसने खा लिया, भूपेंद्र हुड्डा ने खा लिया। अच्छा, एक इंसान ने खा लिया, पार्टी ने? नहीं, पार्टी ने क्या खाया, ये चीफ मिनिस्टर बन गया, 10 साल
ये चीफ मिनिस्टर रहा, और ये एक बड़ी बदकिस्मती है पार्टी की, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी की, कि जो मुख्यमंत्री बन जाए तो सारी पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाती है, बिल्कुल उसके कोई फंडिंग होती है पार्टी को, ये होता है वो होता है, वो फिर जो चाहता है वो ही होता है। उसने ये चाहा कि सुभाष बत्रा और मैं आमने सामने नहीं रह सकते, ये खुददार आदमी, आत्म सम्मानी आदमी है, ये मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, ये होगा वो होगा। उसने मुझे मिटाने के लिए मेरी पॉलिटिकल दोस्ती भी रखी, मेरी पॉलिटिकल जो लेवल था उसको ख़त्म करने के लिए वो पहले शादीलाल बत्रा को ले आया, फिर उसको भूषण बत्रा को ले आया, ये सारे दोनों मेरी देन है। ये आपके कोई पारिवारिक वो हैं या फिर? पारिवारिक रिलेशन तो आपस में संबंध तो बहुत है, लेकिन वो रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी नहीं। हुड्डा साहब से तो आपकी बड़ी गहरी दोस्ती रही है। बहुत ज्यादा, इसीलिए तो। अरे आपने जूलियस सीजर की कहानी नहीं सुनी, फिर पढ़ो ना। समझ गया, जितना गहरा प्यार होता है उतना इतनी गहरी दोस्ती। जब महल में उसके खिलाफ साजिश रची गई जी, और उसके ऊपर जब जूलियस सीजर पे हमला किया गया जी, तो सबसे पहला जो उसका बेस्ट फ्रेंड था ब्रूटस, उसने पहला खंजर उसकी पीठ में मारा, और तब उसने जूलियस सीजर ने कहा, ओ ब्रूटस यू टू, तुम ही हो पहले सबसे खंजर मारने वाले। तो इससे तो आपकी कहानी में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो ब्रूटस, मतलब जो भी है जो भी है, आदमी को राजनीति, प्रताप सिंह कैरो के सरदार दरबारा सिंह खिलाफ थे जी, डिफरेंसेस थे, भीम सेन सच्चर खिलाफ थे, लेकिन एक ही गाड़ी में चलते थे। उन्होंने दरबारा सिंह को जिंदा रखा, मरने नहीं दिया, और दरबारा सिंह जी भी मुख्यमंत्री बने, दो बार बने, प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर रहे। पहले उस वक्त पॉलिटिक्स वैल्यू बेस्ड होती थी, वैल्यू बेस्ड बिल्कुल। उस वक्त ये नहीं सोच होती थी कि इसको फिनिश ही कर दो, ऐसा नहीं होता था। अब आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में उनका एलिमेंट क्या है, धर्मवीर कांग्रेस से, बिल्कुल, रमेश कौशिक कांग्रेस से, अरविंद शर्मा कांग्रेस से, ये जो अब राज्यसभा के मेंबर बनाए हैं जांगड़ा साहब कांग्रेस से, ये जो है सारे कांग्रेस, कार्तिकेय शर्मा कांग्रेस से, इनका अपना आप बताओ वो कहाँ है, 5% भी नहीं मिलेंगे, ऐसा ही कांग्रेस में है। सारे जो इनेलो से चोई देवीलाल उनके बनाए हुए, जिनको उन्होंने खड़ा किया, और जो उनका एलिमेंट था, जो उनको छोड़ के आया, वही आज कांग्रेस में है।